दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो है दिवाली बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद कि घरों में पहुंच गए होंगे, या कुछ लोग रास्ते में होंगे, या कुछ लोग कल पहुंचेंगे। सभी को दिवाली रणवीर सिंह की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। बड़ी बात हुई है कि आप अभियान में हिस्सा लिए। गारंटी तो नहीं, बट ये जो हजारों लोगों ने दस्तखत दी, उसकी धमक सरकार तक जा रही है, ऐसा हम मान के चलते हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। कर्म किए जा फल की आस मत कर, वही तो था जो इतने सारे युवा किराया भाड़ा नहीं जिनके पास, कैसे कैसे वो लोग पहुंचे। और खबरें आ रही हैं कि सुबह 4 बजे से टेलीफोन आने लगे कि साहब हमको तो पुलिस मार रही है, भगा रही है, रुकने नहीं दे रही। तो हम भी हड़बड़ाए कि यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे। आपकी शक्ति के आगे सरकार हड़बड़ाई जब धारा 44 लगा दी, 144, पता ही नहीं लगा। और एक दिन पहले जब बारात आ गई दिल्ली में, तो बुला के कह रहे हैं कि हमको कि ये नहीं होगा, ये कैंसल है। अरे सर, 5 दिन पहले कह देते कि भाई ये धरना प्रदर्शन नहीं होगा, मैं जवानों को बोल देता, युवाओं को बोल देता, सर्द के चौकीदार जो आने वाले चौकीदार, कल के होने वाले चौकीदार, उनको बोल देते भैया कैंसिल करवा दे। लेकिन आप एट ए टाइम कह रहे हैं जब सैकड़ों लोग हमारे, तो ये बहुत बड़े दुख की बात है। और ये हमने पुलिस प्रशासन के सामने ये बात कही है। दूसरा, ये लंबा चला अभियान, और आप आए 2 बजे के आसपास, क्योंकि पुलिस प्रशासन का ये था, देखिए आपको तो कोई आने ही नहीं दे रहा था। ये हमारी ताकत कहिए, स्ट्रेटजी कहिए, या एक योजना कहिए, क्योंकि हमने ये सोचा कि नहीं, युवाओं के साथ अगर किसी बच्चे के साथ अगर कोई कहानी घट गई तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन की भी जो है क्लोज रहा, और कई बीच में बाधाएं आई, कई कुछ चीज़ें आई, वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। लेकिन हमने ये दावे के साथ कहा भी वहाँ कि भाई लड़कों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, अगर किसी ने गिरफ्तार करना, अगर कोई गलती हुई तो मुझसे हुई है ना, उसका भुगतान युवा क्यों करे। वेरी क्लियर। लेकिन दिन के 2 बजते बजते और हमारे ऊपर काफ़ी दबाव आया कि भाई नहीं भाई, अब आप इसको लंबा मत खींचिए। मैंने कहा भाई ठीक है, हमारा काम था कि हमने ये कहा था कि बापू की समाधि पे आएंगे, और बढ़ती ताकत युवाओं की, मैं कौन हूँ। हमने रणनीति अपनाई और आप फिर से लौट के बापू की समाधि पे आए, धारा 144 के होते हुए। तो ये हमारे आंदोलन की बड़ी सफलता कहूंगा मैं। फिर अफवाह, अरे जब हमने अनाउंस किया, कई दोस्तों के पास वीडियो होंगे कि भाई अब आप शांतिपूर्ण तरीके से घरों को जाएं, घरों को जाएं, हम मेमोरेंडम देने के लिए, क्योंकि 2 बजे से 5 बजे का ऑफिस टाइम होता है, फिर नई बात बन पाती है दोस्तों। हमने कहा भाई ठीक है,
पुलिस प्रशासन ने गाड़ी लगा दी, हमने आराम से कहा कि आप जाइए। होता है कुछ फिरकापरस्त होते हैं जो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि कोई यहाँ पे कांड हो। हमको जंतर मंतर के लिए भी बोला गया, मैंने कहा नहीं, हो सकता प्रशासन की कोई चाल हो। ये वीडियो अभी सीआईडी के पास भी जाएगा, ऊपर तक जाएगा, क्योंकि जो हम बात बोलते हैं वो पूरे उसमें जाए, लेकिन हम कोई छुपाव नहीं करते। साहब हम गाड़ी में बैठ रही है, मेरे साथ और मेरे चार दोस्त थे। एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट, वो हमने वीडियोस और वो फोटोज वगैरह और जो शेयर किए हैं सोशल मीडिया पे, राष्ट्रपति भवन। उसके बाद फिर एसएससी चेयरमैन, क्योंकि वो मेन है जहाँ से आपकी लॉटरी निकलनी है। फिर डीजी सीआरपीएफ, आईजी रिक्रूटमेंट, और राष्ट्रपति भवन के साथ में होम मिनिस्टर साहब, उनके डिप्टी सेक्रेटरी आए, उनको भी बिग सैल्यूट। आपके वाइस चेयरमैन आए, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपके आईजी साहब आए, सीआरपीएफ, यानी कि हमने हर जगह दस्तखत दी। अब बताइए ना, हमारा क्या दोष है? हमने आपसे कुछ लिया? हाँ लिया, समय लिया। समय तो लिया। क्या आपने पूछा कि साहब ये झोला झंडी, और जो मैंने 20 फीट का बैनर बनवाया था, वो तो मैं अभी आपको शेयर करूंगा, किस किस चक्रव्यूह के दौरान हम फंसे और गिरे और पड़े और आगे बढ़े। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को अगर हमारे बारे में थोड़ा सा भी संदेह हो तो फेसबुक के पन्ने पलट लीजिएगा, किस हम कौन है। नक्सल बाहुल क्षेत्रों से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके और श्रीनगर के दहशत गर्दों से लेके, मैं अपनी जाबाजी नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि हम उस दौर में हैं। हर आदमी में ये दौर आता है, ये वाइट दाढ़ी, ये सारा कुछ समय का चक्र है। तक हमें कोई ब्लेम नहीं कर सका कि रणबीर भागा, मेरी माँ ने मेरा नाम रणबीर रखा था, कोई हीरो की तरह नहीं कि साले रणबीर और रणवीर और फलाना ढमकाना। हमने बहुत बड़े चक्रव्यूहों को पास किया, देश की सेवा की। धिक्कार है ऐसे लोगों की सोच पर। लेकिन वो लोग अपना वीडियो हमारा फोटो डाल के चले कुछ का कुछ लिख देते हैं, नहीं होना चाहिए, हम उसका बहिष्कार करते हैं। हम ऐसे झूठ वीडियो नहीं डालते। आज मैं फिर आया, पिछले 2 दिनों से पता नहीं 200 500 हजारों टेलीफोन आ रहे हैं, हमारे उसका क्या हुआ, हमारे उसका क्या रहा, हमारी कहाँ मेरिट आ रही है, हमारा क्या हुआ, फलाना ढमकाना, अननेसेसरी टेलीफोन्स जो आ रहे हैं। हमने आपके टेलीफोन सुने थे ना, रोज सुनता था, खुद करता था। लेकिन जो मैं आपके साथ हूं, ऐसा नहीं कि हम जो कुछ दो चार सिर्फ रहे हैं, वो वेरी क्लियर मैं करना चाहूंगा कि दो चार सिरफिरों का के कारण क्या हम मैदान से हट जाएंगे? नो, हम जवानों के साथ हैं। क्यों सॉरी बोलते हो, क्यों भगवान बोलते हो? मैं भगवान थोड़ी, मैं तो एक आम इंसान हूं, छोटा सा सिपाही आपकी तरह। आपकी आवाज बनने की कोशिश की और कई लोगों ने उसमें विघ्न डालने की कोशिश की। हम नहीं टेलीफोन आपका रिसीव कर पाए, इसके लिए खेद है। और मुझे अननेसेसरी टेलीफोन ना करें, मेरी बड़ाई मत करें, आप भगवान हैं और आप हमारे साथ। अरे हम आपके साथ हैं, लड़ाई जारी रहेगी। हनुमान नहीं जो सेना फाड़ के दिखाऊं, ओके, ये जो है हक की लड़ाई जारी रहेगी साहब।
बहुत सारे लोगों ने वहां पे, मुझे लगता है 80% लोगों ने मेरे साथ सेल्फी ली। अरे सेल्फी का मतलब क्या हुआ? हम देख रहे हैं कई लोग तो हमारी सेल्फी का गलत ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार, सेल्फी का बहुत बड़ा मायना होता है। मैं वो यौ वीरांगना हूँ, हमारी जो लड़कियां हैं, बीबीज हैं, वो भी आई, मैं उनको भी दिल से सैल्यूट करता हूँ कि यस बड़ी बात हुई है, उनके साथ सेल्फी लिए, सभी के साथ लिए, कोरोना का भी डर नहीं लगा मुझे। कोरोना कैसे फटकेगा जब मेरे जवान मेरे बाजू आए, दाएं बाएं बाजू हमारे साथ हैं, तो मुझे कोरोना नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। तो और दूसरी चीज, क्या आपको एक चीज भूल गए क्या? आपका तो कोई रीमेडिकल करने के लिए तैयार नहीं था, ये बात कहनी पड़ेगी। चाहे गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री जी से मिलना हो, चाहे DGCRP से मिलना हो, हमने वहां कहा कि नहीं सर, जवानों का रीमेडिकल जल्दी से प्रक्रिया करिए। ज्यादा तो हम अपनी बड़ाई किस लिए करना यार, वो लोग जानते हैं, अगर कोशिश नहीं होती तो ये रीमेडिकल ही नहीं हो पाता। आज भी हमारी आवाज है कि भाई जो हमारे जवान हैं, हम चाहते हैं कि मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को फिर से अपॉइंटमेंट दें, ये लोग फिर से नहीं जारी करें, ताकि ओवरेज की जो तलवार लटकी हुई है जवानों की गर्दन पे वो हटे। ओके, बार बार टेलीफोन आ रहे हैं, अभी मैं 2 टेलीफोन डिस्कनेक्ट किया हूँ यार। वो दिल तो दुखता है जब इस तरह की बातें होती हैं। हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, और कई व्हाट्सएप से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, 150 ग्रुप हैं हमारे। हम जिस पन्ने को पलटते हैं उसमें यही आवाज आ रही है कि रणबीर भाग गया, रणबीर धोखा दे रहे, साले पंचायत में गए हैं, धड़ल्ले से गए हैं, सरकारी वाहन से गए हैं, और आवाज आपकी जो है राष्ट्रपति भवन से लेकर और लास्ट कोने तक हमने आवाज पहुंचाई, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, और खिड़की में से नहीं, सीनियर ऑफिसर आके उस मेमोरेंडम को लिया। ये हम पुलिस प्रशासन को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने आपकी आवाज वहां तक ऊपर तक पहुंचाई। मुझे अननेसेसरी टेलीफोन ना करें, हम आपके दिल से साथ हैं। मेरी उम्र बहुत ज्यादा होगी, मैं सोचता हूँ लड़की गलती कर देते, कोई बात नहीं, हो जाता है, कई लड़कों को हटा भी देते हैं बाद में, मुझे महसूस होता है यार ग्रुप से कैसे डिलीट कर दिया। नहीं, सोच अच्छी रखिए, हड़बड़ाइए मत। आप चाहते हैं कि कल आप जो संख्या बल में आए, वो आपको सब पता है कितनी संख्या में लोग आए, जो जितना इतना हड़बड़ा रहे थे कि इतनी सारी आवाजें आ रही थी कि पता नहीं यहाँ पे कितने हजार लोग आएंगे, वो मैं ज्यादा नहीं कह पाता, आप खुद समझ सकते हैं। हम आपके साथ हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि हथेली पे सरसों हरी हो जाए, वेट कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ये करवा देंगे वो कर, हाँ हम आपकी आवाज का हिस्सा बने और बनेंगे, बनते रहेंगे। मुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं यारो, हम आपके साथ हैं। मुझे भगवान, क्या गॉड तो बहुत बड़ी चीज होती है यार, लेकिन मेरी नीयत पर संदेह करने वाले लोग समझ सकते हैं कि जब आपको डंडों से भगाया गया, लेकिन हम फिर लौट के दस्तक दी और हमने ये कहा कि साहब जो भी सजा देनी है रणबीर को दीजिएगा, वहां पे सैकड़ों हजारों लोग होंगे जमा, और हम आपको सीधे लौटा के घर भेजे, उसमें क्या राज था आप क्या जाने।
हमने आपको एक ही दिन का कहा था, 2 दिन का नहीं कहा था। चलिए, आपकी सोच को सैल्यूट और सलाम। हम आपके साथ, मैं वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोलता, अब नहीं बोलूँगा कभी भी, क्योंकि ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हम आपके साथ हैं दिल से। थैंक यू।